नोमेनक्लेचर का तो क्या करते हैं, फर्स्ट कॉमन नेम आपका जो रहेगा, ठीक है, तो पहले आपका अल्काइल ग्रुप आ जाता है एंड देन दैट इज फॉलोड बाय हैलाइड्स, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास अगर ये रहेगा तो पहले अल्काइल ग्रुप लेंगे दैट इज इथाइल, राइट, एंड देन यू विल टेक द ब्रोमाइड, ठीक है, या सिंपल पहले अल्काइल दैट इज मिथाइल एंड Cl इज क्लोरीन, तो दैट विल बी क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड क्लोराइड ऐसा पहले आप अल्काइल ग्रुप लेंगे एंड देन यू विल हैव द हैलाइड्स, पहले अल्काइल एंड देन यू हैव द हैलाइड्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग यूजिंग। अब आपके पास ये आ गया आपका कॉमन नेम में, कॉमन नेम में यू हैव फर्स्ट इज अल्काइल नाम, ठीक है, अल्काइल का लेंगे एंड देन यू हैव फॉलोड बाय हैलाइड्स, क्लियर, ये एग्जांपल्स तो अपन ने देख लिए। देन यू हैव आईयूपैक आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में सबसे पहले क्या करना है, आईयूपीएसी नेम करते हैं सबसे पहले यू विल सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन एटम इज सेलेक्टेड फॉर नेमिंग दी पैरेंट एल्केन, यू विल सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट, इसका पहला वाला यू विल सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, राइट, जिसमें हैलोजन एटम अटैच है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू हैव नेमिंग करने के लिए आपको बोलेंगे तो यू विल लुक आउट फॉर द लॉन्गेस्ट चेन। और नेमिंग करते वक्त नंबरिंग जो उसको है, नंबरिंग करते वक्त, ठीक है, नेमिंग के लिए आप उसको नंबर करेंगे तो नंबरिंग शुड बी डन, ठीक है, फ्रॉम वेयर द हैलोजन ग्रुप इज क्लोज, क्लोजेस्ट, नियर, लेट्स नेक्स्ट टॉक क्लोज इज नियर, ठीक है, जहां आपके पास ये रहेगा तो नेम द पोजिशन ऑफ हैलोजन एटम इज इंडिकेटेड बाय द मिनिमम नंबर रूल विच स्टेट्स दैट द नंबर शुड बिगिन फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन विच कुड गिव लोअर लोकेट टू द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हेलो एटम, मतलब जहां हेलोजन एटम्स नजदीक रहेगा वहां से, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल got CH3 CH2 and CH3, ठीक है, तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम हियर, दिस शुड बी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड एंड फोर्थ, दिस क्लोरीन हैलोजन रुक बोल रहे क्लोज यहां से सेकंड कार्बन पे आ रहा, इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम योर 1, 2, 3, 4 तो दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत है, राइट, क्योंकि थर्ड कार्बन पे आ रहा है, अपने थर्ड कार्बन नजदीक से इट्स विच इज नियर टू दिसिंग एंड से कहाँ नजदीक है, ठीक है, फ्रॉम एंड विच इज क्लोजेस्ट या नियर, तो वो कार्बन को विल डू द नंबरिंग, तो दिस शुड बी 1, 2, 3 तो 2-chloro-butane हो जाएगा, क्लियर, तो नंबरिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द क्लोजेस्ट वन। अगर आपके पास तो वही चेन को बढ़ा देते हैं, लेट्स मेक इट CH2 CH3, राइट, तो अगेन द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम यू, बट इफ इन केस इफ दिस वी कीप इट ओवर हियर, क्लोरीन को यहां पे अटैच करते देन द नंबरिंग विल चेंज, क्योंकि फ्रॉम हियर इट्स टू द फोर्थ कार्बन एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 सेकंड कार्बन पे आ रहा है, राइट, तो नंबरिंग शुड ऑलवेज इज डन फ्रॉम द हैलोजन एटम विच इज क्लोज टू द एंड, जहां क्लोज रहेंगे कार्बन एटम पे वहां से कर लो तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से अगर काउंट करें तो इट्स कमिंग ऑन द फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ इन लंबे हो गया, तो नंबरिंग शुड ऑलवेज बी डन ऑन दिस वे, ठीक है, तो दिस विल बिकम 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 2-chloro-pentane हो जाएंगे इसका नाम,
तो ये एक याद रखना। सेकेंड चीज, इसका नाम जो है नेम आईयूपीएसी में, हाँ आईयूपीएसी में उसका जो नाम है दैट विल बी हेलो अल्केन, राइट। हेलो अल्किन मतलब अभी वो था उसका नाम हमने क्या बोले, टू क्लोरो पेंटेन या टू क्लोरो ब्यूटेन। तो पहले अपन क्या बोल रहे, क्लोरीन हेलोजन का नाम ले रहे, तो फ्लोरो आइडो क्लोरो ब्रोमो, ये इनके ऐसे नाम है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो, एंड देन कितने कार्बन से वो हिसाब से अल्केन है। क्लियर। कॉमन नेम में अपन अल्काइल पहले यूज करते मिथाइल इथाइल एंड देन यू हैव दी हैलाइड्स। इसमें क्या हो रहा है, वी टेक हैलोजन्स के नाम पहले, क्लोरीन जहाँ पे रहेगा वो हिसाब से विल टेक इट नंबरिंग के हिसाब से, फोर क्लोरो, ठीक है, फोर क्लोरो हेप्टेन या थ्री क्लोरो हेप्टेन ले लो, क्लियर, या थ्री क्लोरो ऑक्टेन। तो जहाँ से नजदीक रहेगा राइट। अब अगर आपके पास इट्स इन दिस फॉर्म, ठीक है, नेमिंग के लिए अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस, यू हैव सी, यहाँ है, यहाँ पे यू हैव क्लोरीन अटैच्ड, यहाँ पे यू हैव मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, तो दिस विल बी एच एच, दिस इज सी एच थ्री एंड दिस इज सी एच थ्री। अगर ये करना है तो यू नो यहाँ पर देखें नंबरिंग शुड ऑलवेज बी डन, जहाँ से ये नज़दीक है तो नंबरिंग आपका ऐसा ही होगा, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और नेमिंग शुड बी गो विल बी डन अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये अटैच है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, राइट, दिस इज यू कॉल इट एज मिथाइल सी एस थ्री है, हमने बोले थे एक अगर मीथेन इथेन प्रोपेन से एक एक अगर हाइड्रोजन कम हो जाते हैं उसमें से तो वाई हो जाता है, ठीक है, राइट। इफ आखिर का इससे जो ए एन ई है दैट इज रिप्लेस बाय वाई, ठीक है, तो मीथेन क्या क्या मिथाइल हो जाता है, इथेन रहा तो इथाइल हो जाता है। तो नेमिंग करते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आना, तो क्लोरीन एंड मिथाइल इसमें सी पहले आता है, तो इनका नाम होगा टू क्लोरो, टू क्लोरो, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, थ्री मिथाइल, राइट, एंड काउंट इट 1 2 3 4 फोर है तो दैट विल बी ब्यूटेन, क्लियर। तो दिस इज टू क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर। हेलो अल्केन्स पहले हेलोजन लिख दिया और बाद में अल्केन का नाम, ठीक है, ये चार पॉइंट याद रखना है, क्लियर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आना है, एंड इवन आफ्टर नंबरिंग तुम ऐसे नहीं करेंगे कि थ्री मिथाइल टू क्लोरो ब्यूटेन, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है, तो सी पहले आने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक सी पहले आने की वजह से आपको ये करना पड़ेगा क्या, सी पहले लेंगे फिर यू विल टेक दी एम। अगर इसके जगह पे इफ यू हैड इसको और अगे ले लेते, ये ऐसा चेन रहता, राइट, और यहाँ पे आपका रहता C2H5, राइट, C2H5 बोले तो वो हो गया मिथाइल। अब ऐसे इसमें व्हाट यू गोना डू इज नंबरिंग तो आपका ऐसे ही जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन आपका पहले आप सेलेक्ट करेंगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, राइट, जिसमें यह 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 कार्बन एटम्स है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में, और अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, यहाँ दो ये तो 4 5 भी हो रहे हैं, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर जाते हैं तो नहीं सी विल कम फर्स्ट, लेट्स दिस ओनली टेक इट फॉर एग्जाम्पल, वी टेक इट एज फ्लोरिन, ठीक है, तो पहले आपका ई आएगा, ई एफ आता है,
तो व्हाट यू कैन डू, इसका नाम लिखने के लिए नॉर्मली फ्लोरीन से वो होता नहीं है रिएक्शन, ठीक है, फ्लोरीन नॉर्मली फॉर्म नहीं होता है, दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, ये एग्जाम्पल मत लेना, इट्स इज ओनली टू एक्सप्लेन यू कि इनकेस अगर ये फ्लोरीन आता है तो एफ आपका ये बनेगा, राइट, तो ये तो नहीं, तो इसका नाम जो होगा, इसका नाम जाएगा 3-ethyl, राइट, 2-fluoro-6-hexane, क्लियर, क्लियर, याद रखना कि नॉर्मली ये होता नहीं है बट ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन, क्या क्लोरीन ले लो या फिर इफ यू टेक इट एज आयोडीन, इफ यू टेक आई दैट इज आयोडो, तो दिस इज सिंस ई कम्स बिफोर आई तो 3-ethyl होता है, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन होता था यहाँ पे तो इट वुड हैव बीन 2-chloro-3-ethyl, क्लियर, चलो उतना नेमिंग का याद रखो, लेट्स स्टॉप ओवर हियर।